कैसे हो आप लोग सभी। आज हम बात करने वाले हैं डाइट के बारे में। आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, रनिंग प्रैक्टिस करते हो, चाहे शॉर्ट इवेंट हो, लॉन्ग इवेंट हो, चाहे जंपिंग इवेंट हो, थ्रोइंग इवेंट हो, आप अच्छे से वर्कआउट करते हो, एक वीकली शेड्यूल फॉलो करते हो, फिर भी आपका टाइम ही नहीं आ जाता। आपको अगर अच्छे से रनिंग में इम्प्रूव लाने है, अच्छा सा टाइम लाना है, कम समय में अगर आपको अच्छे सा टाइम लाना है तो दोस्तों आपको एक अच्छा प्रॉपर डाइट करना चाहिए, तो उसके बारे में आज हम देखेंगे। और दोस्तों मैं डेसी प्लान बताऊंगा आपको, आप जो घर में खाते हैं वही सब सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों आप घर में खाते हो उसमें बहुत सारा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होता है जो हमें चाहिए। बिल्कुल डेसी प्लान बताऊंगा दोस्तों, आपको ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या करना है, देखो सुबह जब आप उठते हो सबसे पहले में क्या करना है, सबसे पहले में इम्पोर्टेंट चीज़ करना है, आपको खाली पेट पानी पीना है। क्या करना है आपको, 250 ml तक लेकर आप 500 ml तक आपको पानी पीना है। आप थोड़ा गर्म करके पानी पी सकते हैं, ये दोस्तों शरीर के लिए बहुत अच्छा है, इससे आपका डाइजेशन अच्छा हो जाता है, जो शरीर के लिए साइंटिफिक रीज़न बताता है कि आपको कोई बीमार नहीं होती। जो अंदर की लार बनती होती है अंदर, उसको बाहर नहीं निकाला, आपको डायरेक्ट अंदर पानी लेना है और इससे आपका पेट भी साफ हो जाता है। फिर उसके बाद हमें फ्रेश होने के लिए जाना है, और वापस आने के बाद आप जब प्रैक्टिस पर जाते हो तो आपको खाली पेट बिल्कुल प्रैक्टिस पर जाना नहीं दोस्त। अगर आप खाली पेट प्रैक्टिस पर जाते हो तो दोस्तों आप थोड़ी सी रनिंग करने के बाद भी आप थक जाते हो, आपका स्टैमिना कम बढ़ जाता है, आपकी जो सांस है वो जल्दी फूल जाती है, तो ये सब प्रॉब्लम होती है कि आपके शरीर में अगर एनर्जी नहीं होगी तो आप प्रैक्टिस कैसे करोगे। इसलिए हमें प्रैक्टिस पर जाने से पहले 25 या 30 मिनट पहले हम कुछ थोड़ा डाइट लेंगे। उसमें क्या करेंगे, हमें क्या करना है, रात को हमें चना और जो मूंगफली होती है दोस्तों, आप उसको एक साथ मिलाकर, और दोस्तों इसको आप आसान तरीके से आप घर में ले, और दोस्तों ये चीज़ें आप घर में आसान तरीके से मिल सकती है। तो आपको चने और मूंगफली को एक साथ को भिगो कर रखना है रात में, एक कटोरे में 50 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक आप भिगो सकते हैं। फिर हमें सुबह प्रैक्टिस से जाने से पहले एक गुड़, इतना गुड़ लेना है छोटा सा, गुड़ के साथ आप उस चने और मूंगफली का जो पानी होता है उसको ले सकते हैं, नहीं तो आप उसको चने और मूंगफली को थोड़ा खा सकते हैं, उसके साथ आप गुड़ खा सकते हैं, जिससे क्या होता है गुड़ में कार्बोहाइड्रेट होता है और इसमें प्रोटीन होता है, और दोस्तों आपको प्रोटीन भी मिलेगा और कार्ब मिलेगा, जिससे आपको शरीर को बहुत सारा एनर्जी प्रोवाइड होगी और आप थक भी नहीं जाओगे और आपकी सांस भी नहीं फूलेगी। नहीं तो आप ऑप्शनल कर सकते हो, नहीं तो आप एक या दो केले खाकर भी जा सकते हो, इसमें भी अच्छा सा कार्ब होता है। फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस करने के बाद आपको वापस आने के बाद आप 2 या 3 अंडे लेंगे, आपको अंडे मिल सकते हैं, आपको बॉईल करना है और अंडे के खाना है और अंडे को खाना है। जो 3 अंडे होते हैं उसके अंदर का दोस्तों, एक अंडे का अंदर का जो पीला भाग है उसको पूरा एक अंडा खाना है, और 2 अंडे का जो एक वाइट है ऊपर का जो एक वाइट हिस्सा है उसको खाना है। क्योंकि क्या होता है, जो आपका जो अंदर का जो पीला भाग है उसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है और हमें ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत नहीं। फिर उसके बाद हमें उसके साथ जो रात के भिगे हुए जो चेन्नार जो मूंगफली है उसको खाना है। आपका दोस्तों अभी तक ब्रेकफास्ट खत्म नहीं होगा। फिर उसके बाद हम आधा या एक घंटा रेस्ट लेंगे। उसके बाद हम ओट्स होते हैं दोस्तों, आपको ओट्स थोड़ा लेना है, अगर आप नहीं ले सकते हो उसको भी दोस्तों मैं आपको ऑप्शन बताऊंगा। फिलहाल हमें ओट्स के साथ हम दूध मिलाकर लेंगे, ये दोस्तों ऑप्शन हो गया अगर आप इसको नहीं ले सकते। नहीं तो आप दोस्तों घर में चपाती होती है, चपाती में भी दोस्तों थोड़ा प्रोटीन होता है, एक चपाती में दोस्तों 2 या 3 ग्राम प्रोटीन होता है और कार्ब भी होता है। चपाती के साथ आप दूध मिलाकर खा सकते हो, आप ओट्स और दूध नहीं खा सकते तो आप चपाती के साथ दूध मिलाकर खा सकते हैं। 2 चपाती आप खाएंगे और थोड़ा दूध 100 ml तक आप दूध ले सकते हैं, उसके साथ आप 1 या 2 केला खाओगे, इस तरह से आपका ब्रेकफास्ट पूरा हो गया। फिर उसके बाद हम 11 या 11:30 बजे हमें कौन सा भी फल लेना है, उसमें फाइबर और विटामिन अच्छे होते हैं जिससे आपका खाना ही पच जाएगा और आपका पेट है वो भी साफ हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें लंच क्या करना है, देखो लंच में हमें दोस्तों 3 से लेकर 4 चपाती आप खा सकते हो, उसके साथ हम कुछ दाल लेंगे, कौनसी भी दाल लेंगे आप, कौनसी भी दाल ले सकते हो जिसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है और
और जो रनिंग के लिए बहुत बेनिफिट है। इसके साथ हम कुछ सब्जी लेंगे, सब्जी में भी अच्छा सा फाइबर हो जाता है, जैसे सब्जी में अच्छा फाइबर होता है जो आपका खाना अच्छे से पच जाएगा और आपका पेट भी साफ होगा। 3 या 4 चपाती, एक दाल और सब्जी, ये आपका हो गया लंच। फिर उसके बाद हमें इवनिंग में प्रैक्टिस को जाने के बाद, अगर आप इवनिंग में प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिस पर जाने से पहले 25 या 30 मिनट पहले हमें कौन सा भी फल लेना है, नहीं तो आप 1 या 2 एग लेकर भी जा सकते हो, जिससे प्रोटीन भी मिलेगा, कार्ब मिलेगा। फिर उसके बाद प्रैक्टिस होने के बाद हम क्या करेंगे, देखो प्रैक्टिस होने के बाद हम दोस्तों, अगर आपको पीनट बटर मिलता है, जो ब्रेड होता है पीनट बटर होता है, उसको भी आप ले सकते हो। नहीं लोगे फिर भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आप एक ले सकते हो, 1 या 2 एग लोगे। उसके साथ दोस्तों मैं आपको थोड़ा डिफरेंट डाइट बताता हूँ, ऐसा कोई नहीं बता पाएगा। रात को आपको चना और जो मूंगफली है वो आपको आसानी से मिलेगा, आप 2 बार खा सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, सुबह फिर आपको सुबह उस चने और मूंगफली को आप भिगो कर रख सकते हो, नहीं तो आप बादाम भी ले सकते हो, बादाम जो बादाम होता है उसको भी आप ले सकते हो, 2 एग्स ले सकते हो, नहीं तो आप पनीर भी ले सकते हो, 2 या 1 या 2 एग्स ले सकते हो, उसको ऑप्शनल आप पनीर ले सकते हो, और उसके साथ आपको कोई भी 1 या 2 केला खा सकते हो, नहीं तो आप 1 या 2 केला खा सकते हो, और आपको बादाम और जो भीगे हुए जो चना और जो मूंगफली उसको ले सकते हो। ये दोस्तों हो गया आपका इवनिंग का डाइट। फिर उसके बाद हमें डिनर करना है, तो दोस्तों डिनर हमें बिल्कुल लाइटली करना है, हमें हेवी डाइट करने की जरूरत नहीं है। और आप शाम को जो खाना खाते हो दोस्तों, आपको 8 बजे से पहले ही खाना है, अगर आप जल्दी खाते हो तो दोस्तों आपका खाना अच्छा पच जाएगा। तो रात को क्या खाना है, रात को आपको 1 या 2 चपाती खा सकते हो, उसके साथ कोई भी सब्जी और थोड़ा राइस ले सकते हो, जिससे क्या होगा, राइस लेने से आपका ऑक्सीजन इंटेक अच्छा हो जाएगा, आपको रनिंग करते हो तो ऑक्सीजन इंटेक आपका अच्छा हो जाएगा, आपकी सांस नहीं फूलेगी। जो लॉन्ग रनिंग करते हैं वो राइस ज़्यादा खा सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों आपका इस तरह से डिनर हो गया। उसके बाद दोस्तों आपको सोते समय थोड़ा मिल्क लेना है, हमें क्या करना है, 200 मिली से लेकर 100 मिली से लेकर आप 250 ml तक आप दूध ले सकते हो, हमें गर्म करके दूध लेना है दोस्तों, पूरा गर्म करना है दूध, उसके बाद हमें पूरा ठंडा करना है और पीना है, ये हमें शरीर में बहुत अच्छा प्रोटीन पैदा करेगा, ये हमें शरीर के लिए बहुत अच्छा प्रोटीन मिलेगा। और दोस्तों मैंने जो भी एक पूरा डेली प्लान बताया है, अभी बेसिक प्लान है दोस्तों, इसमें बहुत सारा आपको प्रोटीन मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, और इससे आपका रनिंग का इम्प्रूवमेंट जल्दी सुधारेगा, आप कम समय में दोस्तों आपका इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा होगा। दोस्तों इस तरह से आप डाइट फॉलो करो, आपका 100% जल्दी इम्प्रूवमेंट होगा। तो दोस्तों आपको डाइट प्लान अच्छा लगा होगा तो वीडियो को दोस्तों ज़रूर लाइक करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और दोस्तों वीडियो को ज़रूर शेयर करना, ताकि हर एक जो बंदा होता है जो प्रैक्टिस करता है, रनिंग की प्रैक्टिस करता है, उसके पास दोस्तों मेरी इस डाइट की इंफॉर्मेशन जाएगी। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सप्लीमेंट के बारे में, अगर आप अच्छा सा वर्कआउट करते हो, अच्छा सा डाइट फॉलो करते फिर भी आपका पर्पस नहीं बढ़ता, तो उसके लिए रनिंग के लिए रनिंग में इम्प्रूव लाने के लिए हमें कौन सा सप्लीमेंट लेना चाहिए, नेक्स्ट वीडियो में हम सप्लीमेंट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।